खबर रीवा से है, जहां जिले से सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने शासन प्रशासन की मंशा पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद महिला सशक्तिकरण के नाम पर सुदूर ग्राम और पंचायतों में मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया समाज में महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने और उनके सशक्तिकरण के लिए लाई गई थी, लेकिन उनके स्थान पर उनके परिजन और उनके पति आदि के द्वारा हस्तक्षेप कर अवैधानिक ढंग से दबंगई पूर्वक काम किया जा रहा है। इसकी वजह से महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। द्विवेदी ने कहा कि ये 2015 के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वल्लभ भवन भोपाल के इस पत्र पर सही ढंग से कार्यवाही हो जाती है और मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों में यह व्यवस्था ठीक ढंग से लागू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत की स्थिति में सुधार होगा और महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिलेगी। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने क्या जानकारी दी है। जिला रीवा में जिला कलेक्टर रीवा के द्वारा अभी हाल ही में एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें जो ग्राम पंचायत हैं रीवा जिले के अंतर्गत लगभग 827 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें जिन ग्राम पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधि चुनी गई हैं, जैसे महिला सरपंच चुनी गई हैं, यदि उनके पति या उनके परिजन ग्राम सभा में अथवा ऐसी कोई भी अधिकृत जो सभाएं हैं यदि वहाँ पर उपस्थित होते हैं और किसी भी तरह से सभा को या कार्य को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दबंगई करते हैं और सरपंच तो महिला बन जाती हैं, जनप्रतिनिधि तो महिला बन जाती हैं, लेकिन उनके स्थान पर पूरी पुरुष उसको चलाते हैं, तो ये परंपरा पर उन्होंने रोक लगाई है और इस पर कार्यवाही के लिए कहा है। यह 2015 का एक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र था, जिसको आधार बना करके अभी हाल ही में जिला सतना और जिला रीवा दोनों के कलेक्टर के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है और उम्मीद की जाती है कि यह जो परंपरा चल रही है, ये दबंगई वाली और महिला के स्थान पर पुरुष के द्वारा सरपंची किए जाने की, इस पर लगाम लगेगी। देखिए क्या है कि सरकार ने जो आरक्षण की प्रक्रिया लाई है और जो भी ये व्यवस्थाएं लागू की है वो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से है। महिलाओं को आगे लाया जाए, उनको समाज में सम्मान दिलाया जाए। जो महिलाएं पुरुषों के समक्ष नहीं बोल पाती हैं, तो जब महिला सरपंच रहेगी या महिला जनप्रतिनिधि रहेगी तो वह सीधे महिलाओं से कम्युनिकेशन करेंगे और उस स्थिति में जो उनकी समस्याएं हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उनके सामने रख पाएगी। इस उद्देश्य से प्रशासन शासन ने तो व्यवस्था की है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है और अक्सर ये देखा जाता है कि जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनके स्थान पर उनके जो पुरुष प्रतिनिधि हैं वो दबंगई पूर्वक इस तरह से प्रभावित करते हैं, और पता चला हैं तो महिला सरपंच, लेकिन वो सरपंच साहब उनके पति कहलाएंगे या कि उनके ससुर कहलाएंगे या कि उनके देवर कहलाएंगे, एक आम परंपरा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रयास इसके पहले ये भी रहा है कि मध्य प्रदेश की 23,922 पंचायतों में 40-92 की जो प्रक्रिया है उसको सार्वजनिक किया जाए। सूचना आयोग में हमने मामला रखा था, अभी हाल ही में चुनाव आयोग को भी एक निर्देश जारी हुआ था जिसमें चल अचल संपत्ति और उनके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया गया है सूचना आयोग के द्वारा। तो निरंतर हम मध्य प्रदेश स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि यह पारदर्शिता आए और ये जो व्यवस्थाएं हैं पंचायत में सुचारू बने, पंचायती राज की असली मीनिंग जो है वो समझ में आए और जो गांधी जी का सपना था वो साकार हो पाए।